हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जिसने बोला उसने ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको क्या पता करना है कि लाइंस जो है ना वो पैरेलल है या वो इंसिडेंट है, इनफैक्ट या तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पता करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे A1, A2 से A1, B1, C1 ये सब निकालना है, फिर A2, B2, C2 निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम इसको बोलते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब ऐसा, ठीक है, दो लाइन्स एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा कंडीशन, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 बट वो नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर नॉट इक्वल टू है इसका मतलब क्या है? दे आर पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मतलब पता है आपको। उसके बाद अगर ऐसा आता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और वो भी इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब दो लाइन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप करे, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। सो ये आपके कंडीशन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन्स है, और जो पैरेलल है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? ये अपना इनकंसिस्टेंट लाइन्स। तो उसी तरह से अपने को इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना, व्हाट इज A1? A1 इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है ना वो A1 होता है, तो दैट इज 6। या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपेयर करेंगे, इन लोग को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हमें A1 का वैल्यू मिलेगा, B1 का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, B1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब -3, देखो ना इधर -3, और वहीं C1 का वैल्यू आएगा 10, ये C1। फिर A2 का वैल्यू आएगा 2, देखो ना इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद B2 का आएगा आपका -1 और C2 का आएगा आपका 9। देखो B2 का कितना आएगा, -1, और C2 का आएगा आपका 9, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या निकालना है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 निकालना है 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, फिर B1 अपॉन B2 निकालना है हमें विच इज इक्वल टू -3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 3, C1 अपॉन C2 निकालना है जो कि 10 अपॉन 9 है। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और ये कौन सी कैटेगरी में पड़ता है, ये। सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, समझ में आया लाइंस पैरेलल क्यों है? अच्छा, लाइंस पैरेलल भी है और इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, समझा, इनकंसिस्टेंट लाइंस। सो ये था आपका पैरेलल लाइन, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेरा सोल्यूशन समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा तो कम्युनिकेट करेगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।